रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिष्टी एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा चंचल स्वभाव की थी। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट से सामान ले रही होती है, तब भैया कितने पैसे हो गए टोटल? मैडम 280 हो गए। ये लीजिए। मिष्टी सामान लेकर घर जा ही रही थी कि अचानक से उसको एक कार टक्कर मार कर चली जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां कुछ देर बाद उसकी मम्मी आलिया और उसके पापा वरुण आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब बताइए ना मेरी बेटी कैसी है, उसे होश आया? देखिए आपकी बेटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से उनके सर पर बहुत चोट आई है और रिपोर्ट्स में पता चला है कि क्या पता चल जाएगा डॉक्टर, जल्दी बताइए ना। वो उनके ब्रेन के सेल डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से शायद वो अपनी याददाश्त खो चुकी होंगी या उनमें कुछ और चेंजेस आ सकते हैं। देखिए आपको खुद को संभालना होगा और अपनी बेटी को भी, बहुत नाजुक सिचुएशन है, बट यू हैव टू डू दिस। दो दिन बाद मिष्टी को होश आता है तो आलिया अपनी बेटी से बोलती है, मिष्टी बेटा तू ठीक तो है ना, देख मैं तेरी मम्मी बेटा। मिष्टी उन्हें अनजानों की तरह देखती है और फिर से बेहोश हो जाती है। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टर उन्हें इंतजार करने को कहता है। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो लोग उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। और अगले दिन मिष्टी को दोबारा से होश आता है और वो दोनों एक बार फिर से मिष्टी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी मिष्टी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा से बोलती है, पापा आप काम से आ गए और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं डॉक्टर अंकल के पास? मेरे को सुई लगवाएंगे ना? मम्मी मैं सुई नहीं लगवाऊंगी, मेरे को सुई से बहुत डर लगता है, आपको पता है ना? हाँ बेटा मुझे पता है, चल घर चल मेरे साथ। मिस्टर वरुण मेरे साथ आइए, आपकी बेटी ने अपनी मेहंदी नहीं खोई है लेकिन उसकी हालत एक 5 साल के बच्चे की तरह हो गई है और हो सकता है अब वो बच्चे की तरह रोए या फिर जिद करे। मेक श्योर आप उसकी सारी बातें मानिए। कुछ देर बाद सभी घर आ जाते हैं और मिष्टी की माँ उसके लिए उसकी फेवरेट चीजें बनाती है और जैसे ही वो खाने लगती है तब वाओ मम्मा ने मेरी फेवरेट चीज बनाई है ये। हाँ बेटा तेरे लिए ही बनाया है। मम्मी बहुत टेस्टी बना है। वक्त बीतता जाता है, मिष्टी बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती, साइकिल चलाती और झूले झूलती। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में तितली को देखकर उसके पीछे चली जाती है और चलते चलते वो एक रोड पर आ जाती है और एक बार फिर से एक तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ प्रिंस नाम का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। ऐसे में मिष्टी कहती है, मम्मी मुझे चोट लग गई है, मम्मी मेरे हाथ से खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, हल्की सी चोट लगी है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चलो अब मेरे साथ। कहाँ जाना है? चॉकलेट दोगे ना तो भी जाऊंगी। हाँ हाँ चॉकलेट दूंगा, चलो अब। प्रिंस उसे अपने घर ले आता है और उसे चॉकलेट्स देता है, उसके हाथ पर दवाई भी लगाता है और तभी बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरी मम्मी मुझे मिष्टी करके बुलाती है। ओ कितनी क्यूट और खूबसूरत हो तुम। मेरी मम्मी कब आएगी? मुझे उनके हाथ का खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें क्या खाना है? मुझे नूडल बहुत पसंद है, मुझे वही खाना है। प्रिंस उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है, साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता है और वो नूडल्स खाते हुए बोलती है, कितने अच्छे नूडल बनाए आपने, लो आप भी खाओ। और खाओगी? आप खिलाओ ना मुझे अपने हाथों से, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। और आपका नाम क्या है?
मेरा नाम प्रिंस है। ओह, प्रिंस, आप वही प्रिंस हो ना, वो जो स्टोरी में होता है, जो अपनी प्रिंसेस को बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, जैसे आप मेरा रख रहे हो, मैं हूँ ना आपकी प्रिंसेस। हाँ, ये लड़की कितनी क्यूट और प्यारी है, पता नहीं भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। हाँ मिष्टी, आप मेरी प्रिंसेस हैं। मिष्टी थोड़ी देर बाद वहीं सो जाती है और वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाकर सुला देता है और उसके माथे पर हाथ फेराते हुए कहता है, मिष्टी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें मिलवाऊंगा। प्रिंस उसकी फोटो लेकर आसपास की जगहों पर पता करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद वो उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। मिष्टी अब प्रिंस के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी, उससे बातें किया करती थी, उससे प्यार भी करने लगी थी, जिस बात का उसे एहसास नहीं था, और इसके साथ प्रिंस भी उसे प्यार करने लगा था। एक बार मिष्टी स्टूल पर चढ़कर कुछ उतार रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन प्रिंस उसे आकर बचा लेता है और कहता है, गलत बात मिष्टी, आपको चोट लग जाती तो पता है मुझे कितना बुरा लगता कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। सॉरी प्रिंस। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पड़ोस से बहुत तेज गाने बजने का शोर आता है और इस शोर से उसके सर में बहुत दर्द होता है। वो दोनों हाथों से अपने कान को बंद करके कहती है, ये म्यूजिक बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मिष्टी तुम चिंता मत करो, मैं अभी शोर बंद करवाता हूँ। प्रिंस म्यूजिक बंद करवा कर वापिस आता है तो देखता है कि मिष्टी बेहोश हो गई है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उस पेशेंट को पहचान जाते हैं, उसके पेरेंट्स को कॉल करके हॉस्पिटल भी बुला लेते हैं। तभी डॉक्टर से प्रिंस बोलता है, डॉक्टर मिष्टी कैसी है, क्या वो ठीक है? अब तो इनके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुछ देर बाद मिष्टी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसके मम्मी पापा प्रिंस का शुक्रिया करते हैं, साथ ही उसे मिष्टी की मानसिक हालत के बारे में सब बताते हैं। तभी मिष्टी को होश आ जाता है और उसके पेरेंट्स उससे मिलने जाते हैं, साथ ही मिष्टी की सारी यादें यानी कि उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है और वो कहती है, मम्मी पापा प्रिंस कहाँ है? मिष्टी भागी भागी प्रिंस की तरफ जाती है और उसे पीछे से जाकर हक करके बोलती है, अपने प्रिंसेस को छोड़ के जा रहे हो? मिष्टी तुम्हें सब याद है, तुम ठीक हो गई। हाँ प्रिंस, मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ मिष्टी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, आई लव यू। मिष्टी के पेरेंट्स उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी प्रिंस से करवा देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खूबसूरत पागल बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।